मैं सबसे पहले कवित्री कुसुम देवी को आमंत्रित करती हूँ। बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने विचारों को इस कविता के माध्यम से आपके सामने व्यक्त करती हूँ। हम वर्तमान की नारी हैं, अब हम मर्दों पर भारी हैं। हम वर्तमान की नारी हैं, अब हम मर्दों पर भारी हैं। मर्दों ने बहुत सताया है, चूल्हा चक्की करवाया है। अब मर्द बनाएगा खाना और हम गाएंगे फिल्मी गाना। कानून हमें देता रक्षण, हम चाह रहे हैं आरक्षण। मर्दों ने खेल है बहुत खेला, पर आज हमारी बारी है। हम वर्तमान की नारी हैं, अब हम मर्दों पर भारी हैं। अब नहीं चलेगी मर्दों की, अब नहीं चलेगी मर्दों की। तोड़ो अब बंधन पर्दों की, सड़कों पर खुलकर आना है, ये कहता आज जमाना है। संसद बस आधा आधा हो, मत इसमें कोई बाधा हो। इतिहास पलट कर देखो तो दुनिया नारी से हारी है। इतिहास पलट कर देखो तो दुनिया नारी से हारी है। हम वर्तमान की नारी हैं, अब हम मर्दों पर भारी हैं। मैं अपनी कविता द्वारा ही अपनी बात आपके सामने रखती हूँ। महिलाओं का हो आरक्षण, महिलाओं का हो आरक्षण, संसद में भागीदारी हो, आधे पे बैठे मर्द यहाँ और आधी सीट हमारी हो। हमने मर्दों पे राज किया, हमने मर्दों पर राज किया, हम शासन तंत्र चलाएंगे। हमने मर्दों पे राज किया, हम शासन तंत्र चलाएंगे। इस देश को महिलाएं मिलकर फौरन आगे ले जाएंगे। चूल्हा चक्की अब मर्द करें, चूल्हा चक्की अब मर्द करें, और राजनीति में नारी हो, आधे पे बैठे मर्द यहाँ और आधी सीट हमारी हो। मेकअप करके हम महिलाएं जब भी संसद में जाएंगी, मेकअप करके हम महिलाएं जब भी संसद में जाएंगी, डरकर फौरन मर्द वहाँ बस अपने हाथ उठाएंगे। हो आरक्षण के लिए सजग, ध्यान दीजिएगा, हो आरक्षण के लिए सजग, अब नारी शक्ति हमारी है। आधे पे बैठे मर्द यहाँ और आधी सीट हमारी हो। अदब के साथ एक गजल पेश है। बात सब औरतों को बताते रहिए, मर्दों को बंदरों सा नाच नचाते रहिए। क्या बात है। मर्दों ने जुल्म जमाने से किया हम पर, मर्दों ने, जरा गौर फरमाइएगा, मर्दों ने जुल्म जमाने से किया है हम पर, वक्त है आप भी उन्हें सताते रहिए। क्या बात है। बच्चों को देखना अब मर्दों को लाजिम है, उनका क्या फर्ज है आप उन्हें बताते रहिए। पूरी दुनिया में यही बात उठाते रहिए, बात सब औरतों को आज बताते रहिए। क्या बात है। मर्दों को आप बंदरों से नचाते रहिए। नमस्कार बहनों, मैंने आप सबकी कविता सुनी, लेकिन मैं आप लोगों के पक्ष में नहीं हूँ। मैं अपना विचार अपनी कविता के मत से व्यक्त करना चाहती हूँ। हम नारी हैं उस भारत की, जिसकी एक अमर कहानी है। हम नारी हैं उस भारत की, जिसकी अमर कहानी है। है नेह भरा आंचल जिसका, ममता दुनिया ने मानी है। है नेह से भरा आंचल जिसका, ममता दुनिया ने मानी है। नारी और नर हैं अलग नहीं, नारी और नर अलग नहीं, एक गाड़ी के दो बैल हैं हम। हम मिलके यदि काम करें तो नहीं किसी से जग में कम। हम साथ चलें तो अच्छा है, और खींचा तान नादानी है। हम साथ चलें तो अच्छा है, और खींचा तान नादानी है। हम नारी हैं उस भारत की, जिसकी एक अमर कहानी है। जग में आया संकट, दुर्गा बन हम आगे आए। जब दिखा जरूरत हम सबको, हमने ही गांधी उपजाए। यह ऐसी महिला क्या जाने, जिसको बनना नेतानी है। हम नारी हैं उस भारत की, जिसकी एक अमर कहानी है। अब राजनीति के चक्कर से इस नारी शक्ति को बचाना है। अब यह सुंदर स्वस्थ समाज देश की सृजन शक्ति रचना है। परिवार बने अब स्वर्ग, हमें तो ऐसी ज्योति जलानी है।
हम नारी हैं उस भारत की जिसकी एक अमर कहानी है। हो न्याय, दया, समता, ममता का सभी और सम्मान यहाँ। हो न्याय, दया, समता, ममता, सभी को सम्मान यहाँ। हम जननी हैं, हम करें पुनः गौतम गांधी निर्माण यहाँ। जब संकट में होए समाज, तब हम झांसी की रानी हैं। हम नारी हैं उस भारत की जिसकी अमर कहानी है। नारी और पुरुष दोनों पर ही संसार की जिम्मेदारी है। नारी और पुरुष दोनों पर ही संसार की जिम्मेदारी है। जिसकी जैसी क्षमता होगी उसकी आगे की बारी है। अब स्वस्थ समाज बने, अब स्वस्थ समाज बने, अपना सबको यह बात बतानी है। अब स्वस्थ समाज बने, अपना सबको यह बतानी है। हम नारी हैं उस भारत की जिसकी एक अमर कहानी है, जिसकी एक अमर कहानी है।